बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वो मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहां से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हट यहां से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहां से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। रात में आऊंगा, अपनी से न लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वो एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं। दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा। रातों रात में आऊंगा, अपनी से न लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी।
नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। ये टोपी तो एकदम सादी है। हाँ, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा। वो कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वो सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वो इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहां से, तू यहां क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। अच्छा, तो जरा जल्दी करो। चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वो सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। एक घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वो राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने उत्तर दिया, तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा, नहीं नहीं। राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया,
पकड़ लो इस चूहे को। जी। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वो डर से कांपने लगा। फिर चूहे ने कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वो सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वो गद्दी से कूद कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे।